हाय दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये सरलीकरण का कुछ क्वेश्चन है जो कि देखने में तो बहुत कठिन है, लेकिन बनाना इसको बहुत आसान है। अगर ऐसे हम साधारण जोड़ से जोड़ेंगे बहुत समय लग जाएगा, और देखते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक अथवा कॉन्सेप्ट से कैसे आसानी से जोड़ लेते हैं कुछ ही सेकेंड में। तो दोस्तों, यहाँ संख्या जो 4 का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ एक यहाँ 4 है, यहाँ 4 का रिपीटेशन 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार, यहाँ 5 बार है। तो देखना, ध्यान देना है दोस्तों कि रिपीटेशन होती हुई संख्या कितनों तक जाता है। तो रिपीटेशन यहाँ जो है दोस्तों 5 बार हुआ है। कितना बार हुआ है? 5 बार। इस बात को ध्यान देना है। तो इस संख्या को ऐसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 बार रिपीटेशन हुआ है, तो 5 बार इसको लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5। और इसको इसे ब्रैकेट में घेर देना है। उसके बाद जिस संख्या का रिपीटेशन हुआ है उसी से इसको गुणा कर देना है। और ये सवाल क्या हो गया? सोल्व हो गया। तो इसको करिए हल। ये होगा 4 5 20, 20 की 0 हाथ में 2, 4 2 8, 8 2 ध्यान से दोस्तों, 5 6 20 हाथ में 2, 4 6 16, 16 2 18 हाथ में 1, 3 6 12, 12 1 13 3 हाथ में रही 1। फिर देखिए, 4 2 8, 8 1 9, ये 4 1 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 49,380। कितना हो गया? 49,380। नेक्स्ट जो है दोस्तों, ये दशमलव है, दशमलव टू टू, यानी कि इसमें दशमलव के बाद 2 का रिपीटेशन हुआ है। तो इसमें करना क्या है दोस्तों? ये संख्या था, ये दशमलव में संख्या है, तो इसमें उल्टा काम करना है। सेम चीज करना है लेकिन उल्टा करना है, क्योंकि इसके आगे दशमलव है। तो इसमें करना क्या है? ये भी 5 बार लास्ट में रिपीटेशन हुआ है, 5 बार, इसमें भी 5 तक लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन फर्क इसमें इतना है, इसको इधर से उल्टा लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, और जो संख्या रिपीटेशन हुआ है 2, उससे गुना कर देना है। तो इसको गुना कीजिए, 2 एकम 2, 2 दुनी 4, फिर 2 तिया 6, फिर 2 चौकी 8 हो गया, ये 2 पंचा 10 हो गया। और जितना संख्या है दोस्तों, 5 संख्या है, 5 के बाद दशमलव यहाँ भी है, तो यहाँ भी 5 के बाद दशमलव लगा देना, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ दशमलव लग जाए। ये मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, इसी टाइप में है ये सवाल है, 9.9, 9.99 इस तरह से रहेगा। तो इसमें देखिए, 9 9, ये तो मूल संख्या है, 9 9 5 बार है। तो सबसे पहले तो ये मूल संख्या जो है दशमलव के पहले वाली संख्या, इसको जोड़ देना है। ये 9 कितना बार है? 5 बार। तो इस 9 को 5 बार जोड़ना है, 9 5 45, ये 45। ये दशमलव वाली संख्या से अलग लिखना है, ये 45 पहले हो गया। फिर देखिए, अब क्या बचा? दशमलव 9, दशमलव 9 9, दशमलव 9, सेम वही रूल लगा देंगे। यहाँ जो 9 9 वाला लगा है, वही रूल लगा देंगे। कितना संख्या है? 5 संख्या है दशमलव के बाद, इधर से लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसको गुणा किससे करना है? गुणा करना है 9 से, क्योंकि 9 का रिपीटेशन यहाँ हो रहा है। तो इसको 9 से गुणा कर दीजिए, ये इधर का 45, इधर से गुणा कीजिए, 9 एकम 9, फिर 9 दुनी 18 का 8 हाथ में 1, 9 तिया 27, 27 से 1, 28 की 8 हाथ में 2, 9 चौक 36, 36 दो 38 हो गया हाथ में इस बार 3, 9 5 45, 45 3 48 हो गया दोस्तों। तो ये इसी का ये रूल है, ये पॉइंट के बाद जो 9 है उसी का योग ये बनाए हैं। तो जिस तरह इसमें दशमलव लगा था, उसी तरह 5 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब टोटल को जोड़ देंगे, तो 49 चार कितना हो गया, सॉरी 45 चार हो गया, 45 चार कितना हो गया? 49, उसके बाद दशमलव, 8 8 8 9, 8 8 8 8 ये 9। तो ये दोस्तों, इस तरह के सवाल करने का ये तरीका था, जो कि बहुत आसानी से इसको जोड़ सकते हैं। चाहे कोई भी संख्या का रिपीटेशन इस प्रकार हो, और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इस तरह से हम उसको बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टाइप है इस तरह से, देखते हैं नेक्स्ट टाइप।
ये नेक्स्ट टाइप देखते हैं, जैसे कि 99 का स्क्वायर करना है तो कैसे होगा। 99 का स्क्वायर करना है, जैसे देखिए इस तरह से देखना है, जैसे 2 9 है, कितना है 2 9 है, तो इसमें 1 9 लिखना है और 1 8 लिखना है, ठीक है। 1 9 लिखना है, 1 8 लिखना है, उसके बाद यहाँ बीच में 0, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद करना है यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ लिखेंगे 8, 1 9 1 8, उसके बाद 0 और 1, ठीक है। उसके बाद दूसरा दूसरा करना है, जैसे करना है 9 का 999 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, ये 3 9 है, इसमें 2 9 को लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे 2 9 को लिखेंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे, उसके बाद 0 0 1, ठीक है दोस्तों। इसका तरीका ये हुआ कि इसको समझना इससे, जैसे 2 9 है, 1 9 लिखेंगे, 1 0 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ 8, यहाँ 1, उसके बाद देखिए जैसे 999 है, 3 9 का स्क्वायर करना है हमें, तो 3 9 में 2 9 ऐसे लिख देंगे, उसके बाद 2 9 के बाद 2 0 लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 1। जैसे 4 9 का स्क्वायर करना है, 4 9 का स्क्वायर किया, 4 9 में 3 9 लिख देंगे, इससे 3 लाइन लिख दिए, 3 लाइन लिखने के बाद फिर 3 0 लिखेंगे, 3 0 लिख दिए, उसके बाद 1 8 यहाँ, 1 1 यहाँ, ठीक है। जैसे 5 9 का स्क्वायर करना है, तो इसमें 4 9 लिखना है, 4 9 लिखने के बाद यहाँ फिर 4 0 लिखना है, फिर इसके बीच में 8, फिर यहाँ 1। यह है दोस्तों ट्रिक। दोस्तों कैसा लगा ट्रिक, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।